यहाँ तो 24 घंटे इसमें लगे रह के आए, बंद कर से। पैसे कमाऊ मैं इसमें, पैसे कहेंगे कमावे तुझमें, गेम खेल के पैसे खिलाऊ। अपनी शक्ल देख ले कैसी हो रही तेरी शक्ल, क्या हो गया पिताजी? 24 घंटे इसमें लगे रहे, इसमें पता नहीं होगा, पैसे कमाऊ। खेलन भी दो। अच्छा खेल, मतलब तू भी इसी का फेवर रखती है। अभी मैं देख रहा था वहां बैठा हुआ, ऐसे कर रहा था। हाँ तो मगर पप्पी यही हो, इसी को खेल ला जा। ये थारे दिमाग में मर गया पबजी, मैं सोचा पता नहीं क्या पता कि इसमें क्या हो गया इसके, पबजी खेल ले जा पबजी। एक काम कर, ढंग से रह ले, पढ़ ले, पढ़ समझ गया। अरे ससुरे को फोन तो फोड़ दूंगा जी। देख पिताजी, तुमने रुला दिया नहीं था, जब ये रोवे मैं इसे देखा नहीं जाता, तुम्हें पता। तन्ने भी गाड़ रखा है वो भला, तो खेल नहीं तो है, बिगाड़ रखा, कहा बिगाड़ दिया। ले चल चुप हो जा तू, दीदी ले फोन ले लेंगे। ये पिताजी धमका हुआ है ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे नू ना कह, तू ही तो है, तू ऐसे करेगा तो फिर मैं कैसे चलूंगी यार, तुझे पता है मेरा क्या होगा तेरे बिना। चुप हो जा, चुप चुप, चल तू गेम खेल ले अपना, है नी गेम खेल ले। ऐसे तू कहते रहे बड़े हैं पिताजी कहते, तो कुछ हो गया, खेल ले, चल खेल ले, चुप हो जा, छोड़ते रहोगी। अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढे थे, यहाँ बैठा पबजी खेलने लग रहा, और वो खाना बहुत देर से ठंडा हो गया, घंटे का बना खराब, खाने नहीं खाने थे तुझे। बस दीदी थोड़ी देर रुक जाओ बस, दिखा अधर पिता दिया जाओ, मैं शोर मचाओ में फिर रोइये। बस दीदी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चल रहा। कैसे कैसे है मुझे बता दे। तेरा तो ये खेल नहीं मटता, अरे तू भी आ गई यहाँ से, तू भी खेलने लगी। पिताजी मैं तो खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। नीचे सारे कुत्ते जाकर देख, रसोई में सारे को कुत्ते खा के सामान को, जितना खाना बना रखा था तुमने। देखा तेरे चक्कर में क्या हो गया। मैंने कई बार तो मैं कह लिया इसमें यू गेम मत खेल, रहे सारे को फोड़ दूंगा फोन को। जी पिताजी आज के बाद नहीं खेलनेगा जी, आज के बाद नहीं खेलेगा, आज के बाद नहीं खेलेगा। अरे दोनों ही लग गया था इसमें, हिलना नहीं रहा था मैं कुछ। लो मैं इसको कलेश काट दूँ, डिलीट ही कर दूँ, ले इसे डिलीट कर, कैसा हो गया है यो। कर दे डिलीट। लो जी पिताजी डिलीट कर दिया, पर यूट्यूब जरूर चलाऊंगा। बाह मैं तो ना यूट्यूब का पता, ना तेरे इसका पता, डरामे का। पिताजी यूट्यूब तो चला रहे दोस्त, पे तो वीडियो देख रहे हैं, नाटक वाटक से आवे देखो, रामायण भी आवे उस पे। हाँ रामायण भी आवे। अच्छा ऐसे ऐसे नाटक देख करो जैसा रामायण है, श्री कृष्णा है, महाभारत है, ठीक है, धार्मिक नाटक देख करो, ठीक है जो देखने तो ठीक है। जल्दी जाकर तू भी रसोई देख लेवा, ठीक है। और तू भी आ जा, हाँ ठंडा हो गया, सुनवाता रह। इतना बड़ा दानी है क्या तू? एक बात तो बता। हाँ। तू लोग कह रहे इतना बड़ा दानी हो। तो तुम कहता मैं रामायण देखूं? ये इतनी बद्दी बद्दी फिल्म देख रहा है उसमें?
है भाई। तो तेन कहा था मैं रामायण देखू, ये इतनी बद्दी बद्दी फिल्म देख रहा तू, इसमें ले आश्रम भी आ गया तुझे। तुझे मैंने कितनी बार समझा दिया पर तू मान नहीं रहा बिल्कुल भी, है पिट गई मान लगा तू अपना देखने का। पहले भी तुझे कहा था मत ना देखिए, पहले भी कहा था मत ना देखिए, है फिर भी नहीं मानना तू है ना। पढ़न जाता वो मास्टर आया था पढ़न भी जाऊ तो जी जा रहे तो जी फिर नाम कुकर कट गया तेरा वहां तक। तो मैं मेरी इज्जत खराब करनी भला, अच्छा मैं साले में फोन मार दूंगा भला। तुझे बिल्कुल लियास रब रही नहीं पिताजी, थार से कह तो दिया अपना देखने का, तने कई बार कह लिया बात तो हाँ से कह दी अपना देखने का पिताजी। ये तो बात तुमने पता नहीं कितनी बार कह दी और फिर भी देख रहा मान नहीं रहा, स्कूल में नहीं जाता पिताजी। मैंने थार से कई बार कह ली अब नहीं देखने का, या तो मेरा फोन दे दो नहीं या मैं कुछ कर लूंगा। क्या कर लेगा तू है, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा बता, बता क्या करेगा, क्या करेगा तू बता, क्या करेगा जल्दी बता, क्या करेगा तो मेरे फोन में क्या करेगा तू, क्या करेगा तू बता जल्दी बता क्या करेगा। जा रहा है यहां से, मैं इस घर से निकल के जा रहा, जा रहा है मना करो तो जा रहा घर से निकल के। ये सचमुच ही ना चला जा कहीं, आजकल की औलाद भी जरा जरा सी बात पे निकलने की धमकी दे। ये सचमुच ही चला गया दिख, खैर आजकल की औलाद भी बहुत निकम्मी होगी। दादी तुमने मुझको देखा गया तनी मिली ना, एक घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते, दूसरे मुनी पता आज रक्षाबंधन है। अभी तो लड़ लुड़ा गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया मतलब? हाँ उसका मैंने फोन ले लिया। अच्छा, और बस रोता आनु का लगा मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर छोड़ कर। जरूर तुमने कुछ कही होगी उसे, वो ना तो मुन्ना कहता। बेटे को समझाने की तो कही होगी हमने। अब क्या पता कहाँ गया होगा वो, कहाँ गया होगा पता नहीं, कहाँ से ना मैं उसे ढूंढ के। कहाँ चला गया, कहाँ से लोगी मैं ढूंढ के एक ही तो तब आई है। तेरी कहाँ घर छोड़ के चला गया, क्या उसे ये नहीं पता होगा आज रक्षाबंधन है जो छोड़ के चला गया। कहाँ से लोग चल चुप हो जा, जाएगा वो आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा ठीक है बाबू, आ जाएगा वो चल चुप हो जा। तीन दिन हो गए अभी तक भी भाई नहीं आया। उसने खा पिया भी हो गया या नहीं नानू पता कहाँ है गाड़ी, और ये लाके ये पता नहीं कब आएगा। मुझे ये नहीं पता था क्या रक्षाबंधन है, तीन दिन से मैं यहाँ बैठी हूँ उसका वेट कर रही हूँ अभी तक। देख बा कपिल, कल को रक्षाबंधन है भाई, और मैं तो जाऊंगा अपने घरों अपने गांव में। अरे भाई तो अपने घर जाएगा तो मैं क्या रुकने वाला, मैं भी अपने घरों जाऊंगा। ठीक है। अरे अनुज तू क्यों रो रहा भाई? मैं पिछले साल अपने घर छोड़ कर आ गया था रक्षाबंधन में, है मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही। अच्छा, अरे अरे भाई अपना घर छोड़ के आग रह के क्या पता उनकी हालत क्या होगी यार, तुम्हारे पिताजी की और तुम्हारी बहन की। यार एक काम
चरतू आज ही अपना बैग तैयार कर और अपने घर चला जा भाई। पैसे ना हो तो मैं चले जा, पर चला जा। बाट देख रहे होगी तेरी बहन। हाँ ऐसा नहीं करा करते और तेरा पिताजी। चला जा जी। हाँ ठीक है ठीक। बता यार क्या हुआ? कितने दुख की बात है। तो इसकी बहन एक साल तक बेचारी कुछ खाया नहीं पिया या कैसे है बेचारी। इनके माँ बाप अगर नहीं कितने दुख मानते होंगे। बहुत ज्यादा पर ठीक करा तो नहीं जा भेज दिया। और भाई मैं अभी चलू, मेरी भी बहन बाट देख रही होगी। चल ठीक है तू चल रहा तो मैं भी चलू भाई। जैसे उस प्रभु की लीला उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। पिताजी राम राम। अरे बेटा तू पिताजी बेटा बात लग गया था तू। तेरे बिना हम कितने अधूरे अधूरे और इस तेरी बहन एक साल से संभाल कर रखी है और इसकी हालत देख ले। एक साल से इस पर कुछ नहीं बेटा। आज के बाद कभी घर छोड़कर मत जाना क्योंकि एक बच्चे का गम उसके पास से जाकर पूछो कितना होता है और एक भाई का गम उस बहन से जाकर पूछो कितना होता है। इसलिए आज के बाद घर से बाहर कदम मत रखो। और दोस्तों आजकल के नौजवान बच्चों से कह रहा हूं जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें छोड़कर कभी मत जाना क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे कितना टूट जाते हैं ये हमने इस फिल्म में दर्शाया है। और एक बहन अपने भाई से कितना प्यार करती है ये भी इस फिल्म में दर्शाया है क्योंकि एक बहन अपने भाई के वियोग में एक साल से जिसने कुछ नहीं खाया। और दोस्तों अगर हमारी ये शॉर्ट मूवी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों घंटी जरूर दबाना। जय हिंद जय भारत।